हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है हमारा होने वाला है बहुत ही बढ़िया, और हम जा रहे हैं उज्जैन। तो उज्जैन का व्लॉग होने वाला है आपका, और हम चल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अभी मैं आ चुका हूँ साकेत मेट्रो पे, यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे नई दिल्ली, वहाँ से भी ट्रेन लेंगे। हमारा जो ट्रेन है वो 9:30 का है, 9:30 बजे का, तो 9:50 का है, 9:50 का ट्रेन है गाइस, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं वहाँ पर और आपको अपडेट देते रहेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, एक दोस्त हमारा ये रहा और दूसरा ये। हाँ भाई, नमस्ते। नमस्ते सिस्टम है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, दिखाते हैं आगे का आपको जर्नी कैसा होता है। फुल सिक्योरिटी है, 10:50 का टाइम है इसका। भाई ऐसा पावर है, मुझे भी लेना है जिससे मेट्रो चार्ज हो जाए। सीरियस होगा, कह रहा आईफोन नहीं लूंगा क्योंकि आज तक सही बताने वाला कोई था नहीं ना, इसलिए सच्चाई बताने वाला कोई था नहीं ना, इसलिए तो खुश था। अब घर जाके सदमे में आएगा तू, 70,000 क्यों लगाया मैंने सिक्योरिटी का, ना मैं खुद उगाड़ दिया। तो गाइस हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। ठीक है, और यहाँ हमारा ट्रेन भी जो है लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी, पता नहीं क्यों आजकल किस्मत मेरी इतनी अच्छी है। मैं जब वैष्णो देवी गया तब भी ट्रेन लगी हुई थी, आज उज्जैन जा रहा हूँ जब भी लगी हुई है इंदौर, इंदौर एक्सप्रेस। तो हम इसे बैठेंगे, ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से, पूरी रात की जर्नी है तो पूरी रात अभी जानी है हमें ट्रेन में ही। ठीक है, तो चलते हैं, आपको और मजे कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। तो गाइस अभी रात के 12 बज रहे हैं और ज़्यादातर लोग सो गए हैं, और मेरा दोस्त है देखो जहाँ पे सामान रखते हैं वहाँ पे सो गया है, मस्त की जगह नहीं मिली इसे। तो पूरी रात जागने के बाद अब हम आ चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। तो गाइस इससे आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। और अभी यहाँ से चलेंगे एक तरफ, बाकी दो लोग हैं हमारे बहुत थक गए ऐसे, क्योंकि ट्रेन में हमें जगह नहीं मिला सोने को, तो सोए नहीं। तो चलते हैं अभी, देखो आप कितनी भीड़ है, मतलब रेलवे स्टेशन पे भीड़ 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 है। सुलभ शौचालय भी है भाई, इसको इसको जाना चले जाओ, देख लो गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, सबके सर पे महाकाल का चंदन लगा हुआ है। तो गाइस मैं फाइनली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन जैसे ही आप आओगे बाहर निकलने के बाद आप लेफ्ट लेकर अगर जाते हो तो वहीं पे आपको एक मतलब ऐसे चौराहा सा दिखेगा जहाँ से मतलब होटलें शुरू हो जाती है, और यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे रुक करके और अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर सकते हो, नहा धो सकते हो, और फिर यहाँ से दर्शन के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर ना बहुत सस्ता मिलता है रूम, एक्चुअली 500 रुपये तक मिल जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर जो है आप नहा के और सिर्फ नहाने धोने के लिए भी आपको एक वॉशरूम वाशरूम मिल जाता है जो कि 50 रुपये तक, 50 से 100 रुपये तक मिल जाएगा एक बंदे के लिए। तो गाइस फाइनली मैं अब रेडी हो गया हूँ नहा करके और फ्रेश हो गया हूँ अभी, ठीक है, और आ गया हूँ यहाँ पर बढ़वाए जी। नहीं थैंक यू। तो मैं महाकाल मंदिर के दर्शन करने आया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये सेल्फी पॉइंट है लिखा हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम फोटो रख देंगे थोड़ा सा, उसके बाद अंदर चलेंगे, ठीक है। तो आपको अभी कुछ बात है जो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अब ध्यान से सुना होगा। तो गाइस यहाँ से एंट्री है मंदिर की, ठीक है,
जैसा कि आप देख सकते हो ये मंदिर का मेन गेट है और यहाँ पे उसके जस्ट सामने ये स्टैचू बना हुआ है गणेश जी का, जहाँ पे आप फोटो लेके जा सकते हो। और बहुत ही अच्छा गार्डन है, यहाँ पे फोटो बहुत अच्छा आता है। तो देखो जैसा कि हमारे दो दोस्त हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे आकर के फ़ोटो खींच सकते हो। फ़ोन और फ़ोन ले जाना अलाउड है, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर फ़ोन लेके आते हो तो फ़ोन लेके जा सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो। तो हम अभी अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही देखो अपना त्रिशूल का कितना मस्त लग रहा है फ़ोटो। गाइस यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आता है। तो गाइस हमने यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन करा है और क्या हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। यस इंदौर आया है, उज्जैन आया है, महाकाल मंदिर। तो आगे आपको दिखाते हैं, दीवार पर टकरा जाना आगे दिखाने के चक्कर में। तो गाइस ये हम महाकाल मंदिर का गेट, इसके अंदर में जाना है। शोर तो ऐसे हो रहा है पूछो मत, बहुत तेज हवाई से जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर जल्दी वहां से हटो। लाइन में भीड़ तो बहुत ज़्यादा है और लाइन चल रही है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, कंटिन्यू चल रही है थोड़ा बहुत। बोले 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 बोले। तो भाई हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के अंदर और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं शोर इतना ही ज़्यादा हो रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद बाकी लोग जो दौड़ दौड़ के चल रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है। हम भी चल रहे हैं। बोले 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 बोले। तो गाइस
किलोमीटर 10 मिनट। बोले 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 महाराजा इंद्र की जीवी 10 मिनट। बोले 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 हाँ
खाना पीना खा रहे हैं, गंगा घाट चलते हैं नहाने। अच्छा नहीं आएगा एक साल में। आ गए फाइनली बाहर। हाँ भैया कितने एक दस का एक चले यार दस का एक दोबारा कर। तो भाई यहाँ से आप प्रसाद दे सकते हो, जैसे देख सकते हो यहाँ पे लड्डू है 50 रुपये का 100 ग्राम और बाकी आप लिखा हुआ है पढ़ सकते हो। और बाकी यहाँ पे सीक्रेट द्वार काउंटर का टिकट भी मिलता है जो कि आप लेने के बाद सीधे मंदिर के द्वार के पास पहुँच सकते हो। दो काउंटर बने हुए हैं यहाँ पे टिकट के लिए। तो गाइस हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं, थोड़ा सा हमने प्रसाद लिया है, थोड़ा सा पोस्टर लिया है और थोड़ा सा कुछ और सामान लिया हमने, सब ने कुछ ना कुछ लिया है ये देखो। ठीक है अब हम थोड़ा सा खाना ढूंढ रहे हैं ताकि खा ले, थोड़ा सा निकल जाएंगे हम। जय शक्ति जय महासागर, जय शक्ति जय महासागर। जल्दी हटो वहाँ से, हटो भीड़ खत्म करो। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और हम अभी तक स्टेशन पे वेट कर रहे थे। ठीक है स्टेशन वेट कर रहे थे और हमें भूख लग गया, जा रहे हैं खाने क्योंकि ट्रेन में खाना मिलेगा नहीं। ठीक है तो ट्रेन आने से पहले हम खाना वाना खा करके अपना ट्रेन में बैठ जाएंगे और मैं जा रहा हूँ कुछ खाना खाने क्योंकि ट्रेन में मैं खाऊँगा नहीं। ट्रेन का खाना आपको पता होगा कि कैसे मिलता है, तो उससे अच्छा है कि बाहर से ही खा लो। ठीक है तो अभी हमें अंदर एक भाई ने बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे बस स्टैंड है। ठीक है बस स्टैंड के आसपास ही कहीं पर मतलब एक होटल है और बहुत अच्छा खाना मिलता है, सस्ता भी है और बढ़िया रहता है, मतलब घर की तरफ बिल्कुल खाना होता है। तो हम वहीं जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है तो अभी चलते हैं, आपको उसके बाद बताते हैं क्योंकि वीडियो तो एंड ही है। ठीक है तो चलो पहले भी खाना खाते हो आपको दिखाते हैं। और ये दो गधे हैं हमारे पीछे, ये दिमाग ख़राब कर रहे हैं सबका, इनको इग्नोर करो आप, बाकी चलते हैं। ठीक है चाट है बढ़िया, खाके देख खाके देख, अब खा लेना यार। मैं खाली खाने खाली प्लाट कितने दे रहे हैं? प्लाट दे रहे हैं 150 रुपये का एक। अपने निर्धारित समय पर चल रही है, इसी यहाँ दोपहर 5:45 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है।